हेलो गाइस, मैं हूँ आशु और मैं हूँ अभिनव। लौंडे की कमी लग रही है थोड़ा सा, तो आज हम कर रहे हैं अभी जो हमने ट्रेलर दिया था, अभी ट्रेलर पर रिएक्ट किया था छलावा मूवी के। ये तो है छलावा का टाइटल सॉन्ग। हम फिल्म्स का है। मुझे शक है भाई कि इस पर कॉपीराइट आने वाला है, क्योंकि हम फिल्म्स वाले छोड़ते नहीं है। हम फिल्म्स थोड़ा डर लगता है मुझे, लेकिन तब भी चलिए, बनता है, रिएक्शन जरूर जाएंगे, रिएक्शन जरूरी है, वो तो बनता है। वही वाला है क्या छलावा? छलावा एक मिनट 30 सेकंड पूरा गाना नहीं दिया होगा, थोड़ा ही होगा। थोड़ा सा डर लग रहा है, ये फुल सॉन्ग है या फिर ये 1 मिनट 30 सेकंड का ट्रेलर ही तो नहीं था? नहीं, गाने का ट्रेलर तो नहीं है, मतलब कि टीजर टाइप का, लेकिन नहीं टीजर टाइप का हाँ दे भी सकते हैं। टीजर नहीं आ जाता यार, 3 मिनट का गाना तो कम से कम हो गई होगा, 3 मिनट का होगा तभी मुझे लग रहा है 1.5 मिनट का, इसलिए उसने कर दिया है। तो यार गाना तो बहुत बढ़िया था, और सबसे सही यार गाने का सेटअप जितना उसको कलरफुल बनाया ना, बहुत तगड़ा था यार ये चीज। देखिए एक्चुअली दिन में वो मतलब शूट किया गया है, तो जो कलर्स की जो ब्राइटनेस है ना, वो शार्पनेस कह सकते हो, कंट्रास्ट साफ दिख रहा था, मतलब एकदम यानी यार जो आंखों को अच्छा नहीं लगता यार वैसा ही है, यानी कि और खुशनुमा टाइप का, खुशनुमा मतलब माहौल उसने एकदम वैसे ही बना दिया थोड़ा सा, यानी कि ऐसा दिखाया कि शादी का टाइम चल रहा है, यानी कि सब लोग इकट्ठा हैं, सब देख रहे हैं, और वो एक सेटअप होता है ना कि सबको डांस करना होता है किसी ना किसी को, तो इधर से लड़के का चलता है, इधर से लड़की का चलता है, फैमिली के अंदर ही सब कुछ चलता रहता है, तो वही चल रहा है प्रोग्राम जो शादी से पहले होता है। हाँ वैसे मैं इस सॉन्ग पे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, मुझे लगा पूरा सॉन्ग होगा तो और अच्छा लगेगा, लेकिन बस छलावा पे ही अटक गया आगे। गाना भी यानी क्या बोले, इतना प्यारा गाना, एक्चुअली जब ये लाइन आई है ना छलावा है छलावा, उस समय जो डांस स्टेप था स्पेशली मुझे वो काफी अट्रैक्ट करा था, कितना प्यारे तरीके से उन्होंने मतलब डांस किया, और ड्रेस कोड भी देखो उसी हिसाब से थे, थोड़ा कलरफुल में उन्होंने पहन रखे थे, शादी वाला आ ही जाता है, मतलब अच्छा था वो सब कुछ एकदम सेटअप पे सूट कर रहा था जिस हिसाब से था। भाई का रोल देखा था वो भी, उसको भाई भी आता है और वो तो है ही है लवर बॉय और लवर वो लोग तो है। भाई सॉन्ग तो अच्छा है, मतलब सॉन्ग कह सकते हो ना रोमांटिक में थोड़ा सा जाएगा, और रोमांटिक भी क्या मतलब कि थोड़ा सोलफुल बहुत प्यारा म्यूजिक है ये, प्यारा इन द सेंस यार, यानी कि ये है कि जो मौज वाला नहीं होता है, हाँ थोड़ा मौज, और जो थोड़ा लाउड भी चाहिए होता है शादियों के टाइम में, अगर डांस कर शादियों के टाइम में नहीं, लाउड भी चाहिए होता है और स्मूथ भी चाहिए, स्मूथ भी चाहिए होता है, थोड़ा सूदिंग हो कान में, थोड़ा सा अच्छा लगे, यानी कि सुनने में भी अच्छा लग रहा है और लाउड भी है, ताकि लोग अपना डांस कर सके, और यानी कि वो थोड़ा नहीं थोड़े वो एनर्जेटिक लाने के लिए, एनर्जी लाने के लिए, ताकि डांस हो सके, वो पैर अपने आप उठ सके मेरे ख्याल से। एक लाइन आती है उसमें क्या होता है कि वो बिल्कुल
ऐसा लगता है कि अब उठ जाएंगे, अब उठ जाए, अब बस डांस करना जब शुरू हो जाए, थोड़ा धीरे धीरे चलता है, फिर एक लाइन आ जाती है कि अब हाँ डांस करना है, अब डांस करना है, उसके बाद धीरे धीरे वो कंडीशन बैलेंस हो जाती है। तो वही चीज मतलब इन सब सॉन्ग्स में यही चीज तो चाहिए भी होती है, किस तरह से आप पब्लिक को एकदम खड़ा कर सकते हैं डांस करने के लिए, कोई भी व्यूअर जब सामने बैठ कर देख रहा है तो कितना आपके साथ चला जाए सॉन्ग के साथ, वो कितना एम्फसाइज कर दे यार गाना भाई, तो वो चीज बहुत सही थी, कैच किया एकदम, सॉन्ग ने एकदम अट्रैक्ट करके रखा है सामने और हटने नहीं दिया स्क्रीन से भाई, सबसे अच्छी बात है हटने नहीं दिया, कहीं से भी नहीं लगा, सबको देख रहे हैं, सबको देख क्या कर रहा। चलिए मेरे ख्याल से बातें बहुत हो गई है, कुछ ज्यादा ही म्यूजिक में बह जाते हैं, तो फिर हमारा रिएक्शन यही तक था, तो थैंक यू, पीस पीस आउट इसे बोलना है। yes.